समय जब पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है और समूचा देश लॉकडाउन से गुजर रहा है, तो ऐसे हालात में सबसे अधिक समस्या उन गरीबों को हो रही है जो प्रतिदिन मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिजनों का पेट पालते हैं। अब उनके सामने पेट की भूख मिटाने की बड़ी समस्या आ गई है, जिसे शासन और प्रशासन दूर करने का प्रयास तो कर ही रहा है। इसके साथ ही साथ सामाजिक संस्थाएं और समाज सेवी भी गरीबों की भूख मिटाने में लगे हैं। वहीं बबेरू क्षेत्र के युवा समाज सेवी पीसी पटेल जनसेवक बधेदु अपने मित्रों के साथ इस लॉकडाउन में अपने क्षेत्र के मजदूर और गरीब परिवारों को दो वक्त की रोटी उपलब्ध कराने के लिए पिछले 10 दिन से जुटे हुए हैं। उनको जिस किसी से भी जानकारी मिलती है तो वो उस जगह पर मजदूर और असहाय गरीब परिवारों में खाना व हरी सब्जी बांटने के लिए पहुंच जाते हैं। खास बात तो ये है कि क्षेत्र के वृद्ध जरूरतमंद को भी निःशुल्क सब्जी व भोजन बांट रहे हैं। अब तक बबेरू, भदेदु, साथी, कुर्राम, कोर्रा खुर्द, साया, अकौना, कैरी गांव सहित एक दर्जन गांवों पर जाकर गरीबों को निःशुल्क राशन व सब्जी का वितरण किया। समाज सेवी ने बताया कि ऐसे हालात में हम गरीबों के साथ हर मौके पर खड़े हैं। उनके इस जज्बे को देखकर लोग काफी सराहना कर रहे हैं। वहीं समाज सेवी अरुण कुमार पटेल कुर्रा खुर्द का मानना है कि जिस तरह से देश में लॉकडाउन कर दिया गया है, ऐसे में गरीब वर्ग के लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन हो जाने से लोगों की रोजी रोटी का साधन बंद हो गया, जिससे लोग भूखे सोने पर मजबूर हैं, परेशान हाल है। ऐसे वर्ग को देखते हुए आज हम लोगों ने क्षेत्रों में सब्जी वितरण किया और जब तक देश में ऐसे हालात बने रहते हैं, हम निरंतर गरीब वर्ग के लोगों को खाद्य सामग्री वितरण करते रहेंगे। जिस तरह से देश में कोरोना वायरस का सर्कल बढ़ता जा रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए और देश को बचाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण भारत में लॉकडाउन करने का ऐलान किया है, यह काबिल तारीफ है और हम सभी उनके इस ऐलान का समर्थन करते हैं और उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का भी पालन करते हैं। ऐसी परिस्थिति में सभी को एक साथ आने की जरूरत है, क्योंकि देश को जिताना है और अपने देश से कोरोना को हराना है। नाम पीसी पटेल जनसेवक। ये आप सब्जी वितरण कर रहे हैं, कैसे कहाँ पे वितरण कर रहे हैं? जैसे आप लोगों को पता है कि कोरोना नामक महामारी चल रही है, जिससे प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार ने जिलों को लॉकडाउन किया था। लॉकडाउन होने पर जो अति गरीब लोग हैं, उन लोगों को गांव तक कोई सब्जी नहीं पहुंच पा रहे थे, राशन नहीं पहुंच पा रहे थे। तो हम लोग लगभग 10 दिनों से ये सब्जी लेकर के मंडी से लेकर के आते हैं और जो अति गरीब हैं, बेसहारा हैं, उनको पूरी सब्जी, आलू, टमाटर, बैंगन, मूली, खीरा, गोभी, मिर्च, लहसुन सभी उपलब्ध कराते हैं निःशुल्क में। एवं जो सामर्थ्य योग्य व्यक्ति हैं, जो खरीद सकते हैं, उन लोगों को मंडी का रेट, जैसे 80 रुपए की 5 किलो आलू, 80 रुपए का 5 किलो टमाटर, 80 रुपए की 5 किलो प्याज, 80 रुपए का खीरा, 50 रुपए का बैंगन, इस तरह करके हम लोग सेम रेट दे करके सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आपकी सब्जी लाने और ले जाने में किसी जनप्रतिनिधि, किसी समाज सेवी का कोई सहयोग? नहीं, किसी से ना तो समाज सेवी का किसी का सहयोग है और ना तो अभी तक किसी जनप्रतिनिधि का है, ना तो किसी प्रशासन का है। जहाँ तक मूलधन की बात है, हम लोग स्वयं 2-4 युवा लोग मिल करके और पैसा कंट्रीब्यूट करके खरीद के लाते हैं, जिससे लगभग 4,000-6,000 रुपए, 4,000-6,000 रुपए तक की सब्जी निःशुल्क बांट देते हैं और जो सामर्थ्य योग्य व्यक्ति हैं, उनको सेम टू सेम रेट दे करके सेवा कर रहा हूं अपने क्षेत्र में। अब तक कितने गांवों में आपने सब्जियां वितरण की है? अभी तक लगभग मैंने 8 से 9 गांव में सब्जी वितरण कर चुका हूं, क्योंकि मैं घर घर पहुंचता हूं, घर घर जाता हूं, एक जगह नहीं बेचता।